दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको अश्वत्थामा से जुड़ी एक ऐसी घटना को बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ, मैं उसी अश्वत्थामा की बात कर रहा हूँ जो कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर भटकते रहने का एक श्राप दे दिया था। तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा पृथ्वी पर ही भटक रहा है। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और उसे मध्य प्रदेश के किले में देखे जाने का दावा भी किया जाता है। और एक ऐसे ही रूह कपा देने वाली घटना 5 जनवरी 2022 को भी घटी थी। ये घटना एक ऐसे आदमी के साथ घटी थी जो बहुत ही सीधे साधे तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता था। बचपन से उसकी बस एक ही इच्छा थी कि वह बड़े होकर एक लेखक बने। वह भी बड़े बड़े राइटर्स की तरह बुक्स लिखना चाहता था। उस लड़के का नाम दिनेश था जो कि मध्य प्रदेश में रहता था। उसने सोचा कि मैं एक किताब लिख दूं और उसे पब्लिश कराने के लिए जी जान लगा दूं तो शायद मेरी किताब पब्लिश हो भी जाए। वो बहुत टाइम से इस किताब के ऊपर काम कर रहा था। उसकी एज अब 32 साल की हो गई थी और ये जो दिनेश था वो बाकी लड़कों के मुकाबले काफी डिफरेंट था। दिनेश प्रकृति यानी कि नेचर के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया किताब लिखना चाहता था जिसे पढ़ने के बाद लोग नेचर से अपने आप को कनेक्ट कर सकें। और वो ये भी जानता था कि यह काम घर बैठे बैठे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए वह कई सालों तक अलग अलग जगहों पर जाता था और अलग अलग जगह जाकर नेचर के बारे में और भी ज्यादा स्टडी करता था और नेचर के बीच टाइम भी स्पेंड करता था। वह नेचर की चीजों को समझने की कोशिश करता था और अपने डायरी में नोट भी करता था। ये उसका एक पैशन बन चुका था और उसका यही शौक उसे एक घने जंगल की ओर ले गया। और वो जंगल इतना ज्यादा घना था कि अगर कोई इंसान चला गया तो वहाँ से वापस आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये जंगल कहीं और नहीं बल्कि वही जगह है जहाँ पर अश्वत्थामा रहा करता है। जरा आप देख सकते हैं कि ये बोलते हुए मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह घना जंगल बुरहानपुर के इलाके में पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह बुरहानपुर का एक ऐसा इलाका था जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर अश्वत्थामा आज भी आता है। दोस्तों, दिनेश 5 जनवरी 2022 को बुरहानपुर पहुंच जाता है। वहां वो एक होटल में रुकता है और वहां के लोगों से उसे पता चलता है कि पास में ही एक पहाड़ी है जिसके आसपास जंगल ही जंगल है और प्रकृति है। वह अपने साथ एक हैंडबैग, डायरी और एक पेन लेकर निकल पड़ता है अपने सफर पर। कुछ देर बाद ही वह उस जंगल में पहुंच जाता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और कई सारी चीजों को भी देखता जाता है और उसे जो कुछ भी समझ आ रहा था वो अपनी डायरी में नोट करता जा रहा था। और अब वो अपने काम में और नेचर के साथ इतना ज्यादा मशगूल हो गया कि अब उसे पता ही नहीं चला कि कब दोपहर के 3 बज गए। उसे भूख भी लग गई थी, इसलिए दिनेश अपने डायरी और पेन को अपने हैंडबैग में डालता है और सोचता है कि छोड़ो, आज जो कुछ हुआ वो हुआ, अब मैं कल आऊंगा और यहीं से कंटिन्यू करूंगा। लेकिन दोस्तों, अब आप सोचिए कि उसके साथ क्या होगा। अब जैसे ही वो जाने के लिए पीछे घूमता है वैसे ही देखता है कि दूर तक घना जंगल है और वो घने जंगल में खो चुका है। चारों तरफ केवल पेड़ ही पेड़ और घना जंगल दिखाई दे रहा था। दिनेश काफी घबरा गया और उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। अब धीरे धीरे शाम भी ढलता जा रहा था और उसकी घबराहट और तेज होने लगी। उसने मदद के लिए काफी चिल्लाया लेकिन फिर वो शांत हो गया क्योंकि वो सोचा कि इतने घने जंगल में अगर कोई जंगली जानवर उसकी आवाज को सुन लेता है तो फिर वो तो काम से गया। अब धीरे धीरे अंधेरा हो चुका था और उसे अचानक से पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि अब तो मैं गया क्योंकि जरूर वहां पे कोई जानवर होगा जो कि मुझे मार डालेगा। उसने जैसे ही पीछे मुड़ा वो देखा कि वहां पर एक व्यक्ति है जो कि कंबल ओढ़े खड़ा था। उसे लगा कि ये कोई राक्षस है क्योंकि वो जानता है कि इतने घने जंगल में कोई इंसान क्या करेगा क्योंकि उसकी हाइट एक आम इंसान से कहीं ज्यादा ऊंची थी और उसके आसपास बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही थी। उसे देखकर दिनेश काफी ज्यादा घबरा गया और भागने लगा। वह अजनबी आदमी भी दिनेश की ओर बढ़ता चला गया। तभी अचानक दिनेश जमीन पर गिर पड़ा और वो जो अनजान व्यक्ति था वो दिनेश के पास गया और उसे हाथ बढ़ाया। लेकिन दिनेश खुद ही उठ खड़ा हुआ और उस अजनबी इंसान से पूछा कि आप कौन हैं और आप मुझसे क्या चाहते हो। मैं एक गरीब परिवार से हूं और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं आपको दे सकूं। मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया हूं। तभी वो अजनबी आदमी कहता है कि थोड़ी देर पहले तो तुम ही चिल्ला रहे थे ना, मैं तो यहां तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। बताओ तुम कहां से आए हो। फिर दिनेश अपनी सारी बातें उसे बताता है। उस इंसान ने दिनेश से कहा कि मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूंगा, चलो मेरे साथ। अब दिनेश के जान में जान आती है। अब दिनेश उसके साथ आगे बढ़ता जाता है और हवा भी काफी तेज चलने लगी थी और अंधेरा भी काफी गहरा हो चुका था। तेज हवा चलने के कारण उस आदमी के सिर से उसका कंबल थोड़ा सा उड़ जाता है। तभी दिनेश अचानक से देखता है कि उसके सिर पर एक बहुत ही गहरा घाव बना हुआ है जो कि आम चोट की तरह लग ही नहीं रहा था। वह आदमी जल्दी से अपना सिर ढक लेता है और वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। आधा घंटा चलने के बाद वह इंसान वहीं पर रुक जाता है और फिर दिनेश उस इंसान से पूछता है कि आप रुक क्यों गए। तो वो इंसान कहता है कि मेरा सफर बस यहीं तक था, इसके बाद का सफर तुम खुद ही तय करोगे क्योंकि इसके बाद आम इंसान की बस्ती है और मैं वहां नहीं जा सकता। दिनेश ने उस व्यक्ति को यहां तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद कहा और कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप आखिर कौन है और आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो जरूर आप एक आत्मा या कोई भूत हो। फिर वह अजनबी इंसान एक भारी आवाज में कहता है कि मैं कोई भूत नहीं हूं। तभी दिनेश उसे कहता है कि कम से कम आप अपना नाम तो बता दीजिए। तभी वह अजनबी इंसान कहता है कि ना ही मैं भूत हूँ, ना ही मैं पिशाच और ना ही मैं गंधर्व हूँ,
मैं तो इस युग का भी नहीं हूँ, मैं एक दूसरे युग का इंसान हूँ, मैं द्वापर युग का अश्वत्थामा हूँ। यह बात सुनकर दिनेश के पैरों तले जमीन खिसक गई और कुछ देर के लिए मौन हो गया। अचानक से जब बिजली कड़की तब उसे होश आता है और वह जैसे ही अपना अगला प्रश्न अश्वत्थामा से पूछने ही वाला था, तभी अश्वत्थामा बिजली की गति से अपने दो कदम पीछे बढ़ाता है और वो इतनी तेजी से भागता है कि उसे ठीक तरीके से देख पाना एक आम इंसान के लिए संभव ही नहीं है और वो उसी जगह से गायब हो गया। अब दिनेश के तो होश ही उड़ चुके थे और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और दिनेश यही सब सोचते सोचते रोड की तरफ चला गया और फाइनली वह बुरहानपुर पहुंच ही गया। उसके नेक्स्ट डे ही वो अपना सामान बांधकर घर निकल गया। घर पहुंचते ही वो अपने परिवार वालों को ये सब घटना बताया, लेकिन किसी को भी उसके बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हर वक्त दिनेश के दिमाग में उस अजनबी इंसान की आवाज, उसकी हाइट, यही सब चलता रहता था। दिनेश धीरे धीरे अब लोगों से बात करना बंद कर दिया और अब वो सिर्फ अपने कमरे में ही रहता था। ऐसा लग रहा था मानो इस दुनिया में जन्म लेने का असली मकसद उसका पूरा हो गया और उसका ये जन्म सफल हो गया और अब उसे ऐसा लग रहा था कि अब इस दुनिया में कुछ रखा ही नहीं है और अब वो इस दुनिया के सारे मोह माया को त्याग कर चुका था। और फाइनली 2.5 महीने के बाद दिनेश की मौत हो गई। तो दोस्तों, इससे एक बात का तो साफ हो जाता है कि इस दुनिया में कई सारे ऐसे चीज हैं जिसे विज्ञान भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है और ऐसे एक्सप्लेन न कर पाने वाले चीजों को साइंस अंधविश्वास बता देता है, जबकि साइंस का काम अंधविश्वास बताना नहीं बल्कि उस चीज के बारे में रिसर्च करके लोगों को बताना होता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच इतना ज्यादा शेयर करें कि जो सनातन धर्म को अंधविश्वासी कहता है उसका आंख खुल जाए। तो दोस्तों, ऐसे वीडियोस देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए फैक्टोग्राम 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और माफ करना, मैं काफी दिनों के बाद इस चैनल पर वीडियो डाल रहा हूँ, अब से मैं इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और देखते रहें हमारे साथ फैक्टोग्राम।